नमस्कार दोस्तों, कॉइन डैडी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। आप लोग जानता है कोलकाता में कॉइन एग्जीबिशन हो रहा है, गया चार महीना बाद कोलकाता में अप्रैल महीने में एक कॉइन एग्जीबिशन हो रहा है, जहाँ पर भारतवर्ष या भारत की बाहर से बहुत सारे कॉइन डीलर लोग पार्टिसिपेट करेगा, और वहाँ पर बहुत सारे दुकान भी लगता है जहाँ से कॉइन खरीदना और कॉइन बेचना बहुत इजी है। तो दोस्तों आप लोगों के पास कॉइन है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करता है वो कमेंट मैं देखता हूँ, लेकिन जो कॉइन आप लोगों के पास है वो कॉइन बिकने वाला नहीं है। एक रुपया, दो रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, एल्युमिनियम का कॉइन, स्टील का कॉइन, ना दोस्तों ये सब मत रखना, ये सब सेल नहीं होता है। और सेल होगा तब जब उस कॉइन के अंदर कोई रेयर और कोई स्केयर कॉइन मिल जाए, तब कॉइन को पहचानना बहुत जरूरी है। आप लोग सोचता है हमारा पास थोड़ा बहुत कॉइन है और हम लोग रातों रात करोड़पति बन गया या लाख रुपया मिल जाएगा एक कॉइन से, ये बात सरासर झूठ है। यूट्यूब में देखता है एक कॉइन लाख रुपया, वो कॉइन 10 लाख, वो कॉइन 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सब देगा। कहाँ से देगा, उसका बाप का जमींदारी है यहाँ। और ये बात सुन के कुछ आदमी इतना उछल उठता है, जो मालूम होता है उन लोग को मिल ही गया पैसा। हाँ, वो सोचता है, क्योंकि वो वीडियो में बताता है कॉइन दिखाने के साथ साथ आपको 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया का बात बोल दिया, पहले आपको आधा पैसा एडवांस की तौर पर आपका बैंक अकाउंट में डाल देगा, और उसका आदमी आपका घर में जाके आधा पैसा दे के कॉइन लेके चला आएगा। अरे बाप रे बाप, पूरा कॉर्पोरेट सर्विस। टाटा बिरला का पास इतना पैसा नहीं है, ये चीटर लोग का पास जितना पैसा है वो लोग ऐसा ही बात करता है। तो दोस्तों वो बात सुन के वहाँ पर फोन किया या व्हाट्सएप किया, आपको बोलेगा आपका नाम बताइए, पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, आपका बैंक का डिटेल दीजिए, पिन दीजिए। और आप लोग सोच रहे हैं ये तो 20 लाख रुपया मिल ही गया, हाथ में आ ही गया, सिर्फ ये थोड़ा फॉर्मेलिटी मानेगा तब रुपया आ जाएगा। बस फटाक से बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया, पिन वगैरह सब कुछ, आपका अकाउंट में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो तुरंत गायब हो गया। और अब वो सब देख के सोच रहा है, सपना देख रहा है, मेरे को 20 लाख रुपया मिल गया, 10 लाख आ ही गया। बस थोड़ा देर बाद मोबाइल में मैसेज आया, क्या मैसेज, आपका अकाउंट से इतना रुपया माइनस हो गया। तो आप क्या करेगा, घंटा करेगा, घंटा कुछ नहीं कर सकेगा। वो सब चीटर आदमी वीडियो में जो बोल रहा है वो सुन के उसका फांद में जो पैर डालेगा उसका हालत ऐसा ही होगा। जरा सोच समझ के काम कीजिए, कॉइन है, कॉइन सेल करूंगा, लाखों लाखों रुपया कमाएगा, ये एकदम बकवास है। तो दोस्तों एक सीधा बात बता देता हूँ, कॉइन एग्जीबिशन में जो प्राइस में कॉइन सेल होता है और बाइंग होता है वही सही प्राइस है। कोई लाख रुपया 20 लाख रुपया का स्टोरी उधर में नहीं चलेगा। माता वैष्णो देवी का कॉइन 50 लाख रुपया ले जाओ हम लोग कपास से 40 रुपया में, 30 रुपया में, और लेके 50 लाख रुपया कमा लीजिए। ये सुन के आप लोग उछाल उठता है, और हम लोग जो साच बात बोलते हैं आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो यही आपका पैसा, आप कहाँ गवाएगा वो हम लोगों का टेंशन नहीं है, जो साच बात वही हम लोग बताता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छा, और बुरा लगे तो भी अच्छा। तो दोस्तों कॉइन एग्जीबिशन में आपको क्या करना है, रेयर और स्केयर कॉइन वो मार्केट से मिला है दुकान बाजार से चालू कॉइन, वो हम लोग का पास बोरा बोरा आता है, हम लोग नहीं लेता है, वो कॉइन लेके मत जाना। अगर कोई सोने का मोहर है, सिल्वर का कॉइन है, कॉपर का अच्छा क्वालिटी का कॉइन है, कॉपर निकल वाला वो जो फोटो वाला सिक्का है वो अच्छा क्वालिटी का है, नोट
सिंगल नोट का कोई मार्केट नहीं है, कोई नहीं लेता है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। सिंगल नोट कोई नहीं खरीदता है, नोट का अगर बंडल आएगा तो कोई खरीद सकता है, वो भी देखने के बाद। और क्या, ब्रिटिश पीरियड का नोट, ब्रिटिश पीरियड का कॉइन, जो भी हो ले आइए, कीमती सामान अगर रहेगा तो तुरंत सेल हो जाएगा, नहीं तो मार्केट का चालू कॉइन झोला भर के ले गया और झोला भर के घर में वापस आने पड़ेगा और गाली देगा हम लोगों को। पहले समझाइए, उसका बाद जो बोलना बोलिएगा। हम लोग बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, चालू सिक्के मार्केट में सेल नहीं होता है, वो सब लेके मत जाइए। मैंने जो बोला, रियाज केयर कॉइन कॉमन कॉइन हो, वो यूएनसी ग्रेड का होना चाहिए, सोने का मोर होना चाहिए, सिल्वर का कॉइन होना चाहिए, कॉपर का अच्छा कंडीशन का कॉइन होना चाहिए, तब उधर में ले जाइए। कलकत्ता में जो एग्जीबिशन हो रहा है, ये आप लोग के लिए एकदम सही जगह है। 4 महीना बाद कलकत्ता में एग्जीबिशन हो रहा है, बहुत सारे आदमी आएगा, बहुत भीड़ होगा, तो आपका पास बिकने वाला सही कॉइन या नोट रहेगा तो सब बिक जाएगा, नहीं तो कुछ बिकेगा नहीं। ये सोच समझ के वो एग्जीबिशन में आइए। एंट्री फी है, कोई पैसा नहीं लगेगा। 10 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जीबिशन चालू रहेगा। ये एग्जीबिशन कहाँ पर हो रहा है, हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, बालीगंज फाड़ी का बगल में, जो बालीगंज बिरला मंदिर है वो मंदिर का उल्टा तरफ, हावड़ा सियालदह कलकत्ता स्टेशन से बस पर उठ के आप लोग या टैक्सी में आइए, बोलिएगा गुरु सौदय रोड क्रॉसिंग, बालीगंज बिरला मंदिर का बगल में उतरेगा, वो लोग आप लोग को ले आएगा। साउथ साइड से आइए, जिधर से आइए बोलिएगा, बालीगंज बिरला मंदिर गुरु सौदय रोड बस स्टॉपेज, वहाँ उतार के देखिए, हल्दीराम का बिल्डिंग है, उसका 3rd फ्लोर में ये कॉइन एग्जीबिशन होगा अगले 28, 29, 30 अप्रैल 2023 का। ये एग्जीबिशन मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरा एग्जीबिशन है, आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।